हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के बारे में, जिसको शॉर्ट में फोन भी कहा जाता है। तो पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो दोस्तों, इसको पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क कहने का क्या मतलब है, क्यों इसको पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क कहा गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका कनेक्टिविटी कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें OLT, ONU, ONT ये सब के बारे में भी प्रॉपरली बात करेंगे, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ऑप्टिकल नेटवर्क में क्या होता है, एक होता है एक्टिव ऑप्टिक नेटवर्क और एक होता है पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क। तो पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क को पोन कहा जाता है। तो पोन में एक एंड पे रहता है जो OLT कहा जाता है, और एक एंड पे रहता है जो ONT या ONU कहा जाता है। एक एंड से जब दूसरा एंड में सिग्नल को भेजा जाता है, जो पावर इसका अंदर से ट्रेवल करता है, इसका बीच में एक स्प्लिटर का यूज किया जाता है। तो ये स्प्लिटर इसको, जिसका जो सिग्नल है, इसका जो पावर है, इसको डिवाइड कर देता है। और ये स्प्लिटर में कोई पावर नहीं रहता है, ये नॉन पावर डिवाइस होता है। ये नॉन पावर डिवाइस के वजह से इसका जो पावर है, वोल्टेज से जो पावर निकलता है, ये पावर आगे आके स्प्लिटर इसको डिवाइड कर देता है। इसका वजह से इसका नाम जो है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का नाम दिया गया है। अगर एक एंड से दूसरा एंड तक डायरेक्ट इसका जो सिग्नल है, पावर अगर पहुंचता है, तो इसको एक्टिव नेटवर्क कहा जाता है। और अगर बीच में कोई नॉन पावर डिवाइस का यूज करके इसको, इसका जो पावर है, इसको अगर डिवाइड कर दिया गया, तो इसको पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क कहा जाता है। जो OLT होता है, ये होता है इसका जो हेड ऑफ एंड जो होता है, जहां से इसका सिग्नल निकलता है, मतलब जो मेन नोड होता है या कोर कह सकते हैं, कोर के साथ इसका जो कनेक्टिविटी होता है, कोर से ये OLT तक आता है। OLT से इसका सिग्नल जो है यूजर एंड तक पहुंचने के लिए सिग्नल को भेजा जाता है। और ये आगे आके ये स्प्लिटर का वजह से ये स्प्लिट होके डिवाइड हो जाता है। जैसे कि बहुत सारा रेशियो का स्प्लिटर होता है, 1:4, 1:8, तो ऐसे स्प्लिटर का यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा यूजर को पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो स्प्लिटर का यूज किया जाता है, ये कुछ इस तरीके का स्प्लिटर रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक स्प्लिटर है जो 2:8 है इसका रेशियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, In 1, In 2 जो है, ये एक साइड से जो इन हो रहा है, और ये है इसका आउट वाला साइड जो 8 फाइबर है। यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये वाला स्प्लिटर का यूज किया जाता है, जो पावर को डिवाइड करके इसका जो कनेक्शन है, कंज्यूमर कनेक्शन ज्यादा किया जाता है। जैसे इधर से 2 इन हुआ, यहाँ से 8 निकला, तो ये 8 को फिर आगे जाके और 8 में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे इसका कंज्यूमर का जो कनेक्शन है, वो ज्यादा किया जाता है। इसमें जो है, इसमें कोई पावर नहीं रहता है, कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ भी नहीं रहता है, ये नॉन पावर होता है। और ये सिर्फ यहाँ से जो पावर इन होता है, इसको डिवाइड कर देते है 8 फाइबर में। इसका पावर जो सिग्नल है, इसको 8 फाइबर में डिवाइड कर देता है ये। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इन है, और यहाँ पे जो मैं बोला है कि 1 इन और 8 आउट है। तो ये जो 2 इन है, ये एक होता है प्रोटेक्शन के लिए। पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बोला हुआ है जो इन होता है, काम तो एक ही करता है, लेकिन एक प्रोटेक्शन में रहता है। अगर एक साइड का बाय चांस कोई भी कारण से अगर डैमेज हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो दूसरा वाला जो साइड है, उससे इसका जो कनेक्टिविटी है, वो चलता रहे। तो दोस्तों, इसके बाद ये जो है, आगे जाके कंज्यूमर का जो एंड है, उसमें जाके पहुंचता है। और वहां में जो कंज्यूमर का होम हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसमें जो इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, वो होता है ONT, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। और ONU का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। तो ये दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम जैसा ही काम करता है। ये अलग अलग डिवाइस की वजह से ये अलग अलग नाम दिया गया है दोनों का। अगर किसी ने ONU डिवाइस का कनेक्ट किया, तो उसमें और भी, जैसे कि और भी कनेक्शन उसमें एड कर सकते है। घर में जो डिवाइस यूज करता है, उसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते है। और जो ONT है, इसके साथ वाईफाई कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्प्लिटर है, इसको POS भी कहा जाता है, जिसको पैसिव ऑप्टिक स्प्लिटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म इसका मैं लिखा है, आप देख सकते हैं। POS है पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर, OLT का मतलब है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ONT का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ONU है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, और GPON, ये जो PON है, अभी जो यूज हो रहा है, जो PON यूज हो रहा है, वो GPON यूज किया जा रहा है। और ये पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क को ही FTTS का नाम दिया गया है, FTTS भी कहा जाता है। तो ये FTTS में अलग अलग PON का भी यूज किया गया है पहले, जैसे A PON है, B PON है,
है। और ये जीपॉन जो है ये एकदम नया टेक्नोलॉजी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिया जा सकता है। और इस जीपॉन टेक्नोलॉजी को ऐसा डेवलप किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिया जा सके और इसमें दिक्कत भी कमती आए, इसमें कॉस्टिंग भी कमती आए। तो इसके वजह से अभी का जो FTTH का नेटवर्क चल रहा है इसमें जीपॉन का यूज किया जाता है, जो गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो है। तो ये जीपॉन जो है ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये जीपॉन में ट्रिपल प्ले सर्विस को यूज किया गया है, जो डाटा, वॉइस एंड वीडियो तीनों चीजों का एक साथ में इसका यूज किया जा सके इसमें। और इसका सिग्नल अलग अलग वेवलेंथ पे यूज किया गया है, जैसे इसका डाउन स्ट्रीम को जो है 1490 nm वेवलेंथ पे यूज किया जाता है, और इसका जो अपस्ट्रीम ट्रैफिक है इसको 1310 nm वेवलेंथ को यूज किया जाता है। और एक जो वेवलेंथ है 1550 इसको रिजर्व में रखा जाता है, ये ऑप्शनल होता है, इसमें अगर बाय चांस कोई जरूरत पड़ गया इसमें तो इसको यूज किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।